नमस्कार, मैं के सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल में भारत की संसद की नई इमारत में लगी अखंड भारत की भित्ति चित्र को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टाराय ने अखंड भारत के भित्ति चित्र को लेकर चेतावनी दी है और उन्होंने लुम्बिनी और कपिल वस्तु को दिखाने का विरोध किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल भारत की संसद के भित्ति चित्रों का इतना विरोध क्यों कर रहा है और जिससे भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर नेपाल में बवाल मच चुका है। केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टाराय ने अखंड भारत के नक्शे पर कड़ा विरोध किया है। बाबूराम ने कहा कि अखंड भारत के भित्ति चित्र से दोनों के बीच संबंध रसातल में चले जाने वाले हैं और भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर नेपाल में बवाल मच चुका है और नेपाल की केपी शर्मा ओली ने चेतावनी दी कि इस अखंड भारत के भित्ति चित्र से नेपाल समेत पड़ोसी देशों के साथ अनावश्यक और नुकसान पहुंचाने वाला विवाद पैदा हो चुका है। और यह विवाद तब पैदा हुआ जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत के पहले दौरे पर जाने वाले हैं। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने मांग की कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड लुम्बिनी और कपिल वस्तु को अखंड भारत के भित्ति चित्र में शामिल करने के खिलाफ निश्चित रूप से विरोध दर्ज कराने वाले हैं और भारत की नई संसद को लेकर नेपाल ने एक बड़ा विरोध खड़ा कर दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।